एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन विद एन अदर डे विद एन अदर रेसिपी विद एन अदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की ब्रेड, जिसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीटा ब्रेड या शवारमा ब्रेड, और उसके अलावा हम बनाएंगे रेगुलर सैंडविच ब्रेड, और हम बनाएंगे बर्गर बंस, और उसके अलावा हम लोग बनाएंगे डिनर ब्रेड, और प्लस इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट चिप ब्राउनी। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम रेसिपी आप तक पहुँच जाए। और हाँ, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। साढ़े 400 ग्राम का बॉल जाएगा इसमें, और इसमें अगर आप पनीनी ब्रेड निकालते हैं ना, तो बड़े साइज की 4, छोटे साइज की 8 निकलेंगी इसमें। पिज्जा जैसे कटिंग होते हैं ना, साइजेस होंगे, और 2 निकाल के लेकर आए मेरे पास, और वेट मशीन लेकर आए। फकाशिया के डो को सॉफ्ट रखना है आपने। साढ़े 400 ग्राम का बॉल ले रही हूँ इसमें। देखो कितनी नरम ये डो है, ये जितनी नरम फकाशिया की डो होगी ना, उतनी ही सॉफ्ट बनती है ये। अच्छा, ये देखें, ये ऑलिव ऑयल है मेरे पास। आपने अच्छे तरीके से ऑलिव ऑयल को पैन में अच्छे तरीके से लगाना है। मैम 10 इंच के पैन है ना? 10 इंच के पैन है, और ये जो इस तरह से होनी चाहिए कि हाथ से स्प्रेड कर सको इसको। फकाशिया ब्रेड की कम से कम 3 से 4 दफा प्रूफिंग होती है, मतलब ये अगर एक दफा प्रूफ हो जाएगी, इसको मैं दोबारा एक दो पेंच करूंगी, दोबारा से फिर मैं इसको डिजाइनिंग दूंगी, तो 4 दफा तो मैं इसको पेंच करूंगी ताकि इसके अंदर बबल्स बने, और बबल्स इसके जो है ना फकाशिया ब्रेड में होना जरूरी होता है। जितने अच्छे बबल्स बनेंगे, उतनी अच्छी फकाशिया ब्रेड की लुक भी आएगी और टेस्ट भी। और इसमें ऑलिव ऑयल ही आपने इस्तेमाल करना है, ऑलिव ऑयल के अलावा आपने कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, इसके अंदर भी ऑलिव ऑयल ही जाएगा। घी और ऑयल से तो बेहतर ही है। देखो ना, ऑलिव ऑयल तो हेल्दी है, ऑलिव ऑयल तो हेल्दी है, बटर भी हेल्दी है। अब ये इसके अंदर सारी जो है ना वो सोक हो जाएगा इसके अंदर। घी कहाँ से हेल्दी होता है, किस टाइम पर? और इसके उसमें ऑलिव ऑयल भी यूज होगा, इसके ऊपर आप ऑलिव फेटा चीज भी डाल सकते हो, ऑलिव भी डाल सकते हो, मैसिव पार्मेसन चीज भी डाल सकते हो, मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हो। चीज और जो भी आपके आइसबर्ग है, या उसमें जो भी फिलिंग है, अनियंस की हो जाए, आइसबर्ग की हो जाए, ऑलिव की हो जाए, वो फिलिंग करनी है, चीज लगानी है, उसको ग्रिल करना है, और ये आपका पनीनी सैंडविच रेडी है। और ये फकाशिया ब्रेड सारी ऑलिव ऑयल की बनाई जाती है। ग्रिल करें आप इसको, या फिर आप इसको कटिंग करके ऑलिव ऑयल के साथ वैसे ही दे दें एज अ स्टार्टर, तब भी ये खाई जाती है। Thank you.
Thank you.